गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत अच्छी सुबह है, ठंड है पर उतनी नहीं है, काफ़ी अच्छा वेदर है। और बस अभी तैयार हो गई हूँ काम के लिए, अभी बच्चे का मतलब मेरे बेटे का लंच बॉक्स और मेरा लंच बॉक्स बनाती हूँ, बस निकलेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की। अभी ब्लॉगिंग शुरू किया है ना, अभी सेकेंड फर्स्ट डे है एक्चुअली मेरी ब्लॉगिंग का, और इट्स वेरी डिफिकल्ट। सब कुछ लोग कैसे कर लेते हैं ब्लॉगिंग करते वक्त, लाइक मेकअप कर लेंगे, खाना बना लेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट पता है आपको, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि जो लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं कैसे करते हैं यार, बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा पहला दिन है और मुझे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है, क्योंकि हर जगह कैमरा लेके घूमना और फिर चीज़ें करना और अपने घर के काम करना, डेली की चीज़ें करना और फिर कैमरे को एडजस्ट करना और फिर उसके बाद काम करना, फिर ये डिसाइड करना कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, कितना हमें बताना है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है यार, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पर मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो हार मानने वाली नहीं हूँ, तो मैं तब तक कोशिश करूँगी जब तक मुझे आदत ना पड़ जाए कि कैमरा हमेशा मेरे हाथ में रहे, और एक दिन तो ब्लॉगर बन ही जाऊँगी, भगवान ने चाहा तो। जय श्री राम। तो चलिए दिन की शुरुआत में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम दिन भर में क्या क्या करेंगे। जितना मैं दिखा सकूंगी उतना मैं दिखाऊंगी, ठीक है। ये मेरा लंच, थोड़ी सी मिलती साइड में। मैं निकल पड़ी हूँ अभी मेरा जॉब के लिए, और पहले मैं अपने बेटे को ड्रॉप करूंगी स्कूल के लिए, उसके बाद मैं अपने ऑफिस पहुंचूंगी। सो यस, तो मैं अभी नहीं कह सकती कि मैं दिखाऊंगी काम का जब मैं होंगी, तो शायद मैं शाम को ही डायरेक्टली मिलूँ, क्योंकि एज यू नो दिस इज माई फर्स्ट डे, तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं सब कुछ दिखा पाऊँ, टाइम के साथ सीख जाऊँगी। तो अभी मैं ड्रॉप करूँगी मेरे बेटे को और उसके बाद मैं अपना ऑफिस पहुँचूँगी। और मेरा ऑफिस अभी यहाँ पे यूपी में हूँ मैं, तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 7:49, तो मैं 8:30 पे अपनी शिफ्ट शुरू करती हूँ और 3:30 पे ख़त्म करती हूँ, और घर पहुँचते पहुँचते मुझे 4 होता है, और इंडिया के टाइम से मैं घर पहुँचती हूँ 9:30 रात को। तो मैं अगर बीच में हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ आज, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर घर पे जब मैं वापस आऊँगी फिर हम ब्लॉग करती हूँ। तो अभी ब्रेक हो गया है मेरा और मैं कार में आके खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ऑल दो बहुत अच्छी कैंटीन है सब कुछ है, पर मेरे को कार में आके खाना पसंद है क्योंकि शांति होती है, थोड़ा सा अपना मी टाइम मेरे को मिलता है इतना सब होने के बाद ना, तो मेरे को कार में आके खाना पसंद है। किस किस के साथ होता है कि मतलब जैसे होता है ना, घर पे जब आप होते हो तो आपको पूरा मील चाहिए सब कुछ चाहिए, पर काम पे अगर एक चावल भी मिल जाए ना अच्छे से बने हुए, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आज उतना बिजी नहीं होता काम पे, वेनसडे यूजली थोड़ा सा ठीक रहता है, वेनसडे को उतना बिजी नहीं होता, पर फिर भी जैसे पूरा टाइम फ्लोर पे रहना पड़ता है। डिटेल का वही प्रॉब्लम है कि आप कभी फ्री नहीं रहते, डिटेल हमेशा बिजी रहता, काम की कोई कमी नहीं है। आप ये बोलोगे ना कि ये मेरा काम हो गया आज मैं फ्री, नहीं, आपको दूसरा काम तैयार है आपके लिए, बस वही। तो अभी बस एंजॉय कर रही हूँ लंच,
आप सब लोगों ने लंच में क्या क्या किया कमेंट में बताओ मुझे, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, लंच कर लेती हूँ अच्छे से मजे से, है ना। सो आई हैव फिनिश्ड वर्किंग, घर जाने का टाइम हो गया है और ये मेरा बेस्ट टाइम है डे का, होम टाइम। तो घर चलते हैं और ड्राइव करते वक्त मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि इट्स रेनिंग आउटसाइड और इट्स वेरी डेंजरस, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। घर जाती हूँ और फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आज डिनर में क्या कर रही हूँ या क्या बना रही हूँ, जो भी है वो आगे ही पता चलेगा, ठीक है। ओके देन, मैं सो गई थी आके, बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी तो मैं एकदम से सो गई, और ठंड भी इतनी हो रही थी कि हीटर के आगे ऐसे नींद आ गई ना, पता ही नहीं चला। तो मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़े से बर्तन पड़े हैं ये मुझे क्लीन करने हैं, और साथ ही साथ मैंने डिनर की भी तैयारी कर ली है। दूध मैंने अपने लिए चढ़ा दिया है, दूध पीना है मुझे क्योंकि मेरे बोन्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द वर्द रहता है मुझे आजकल, तो डॉक्टर ने बोला कि दूध पियो, तो दूध मैंने मेरे लिए तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने इधर मैंने सब्जियाँ तैयार कर ली हैं, सॉरी मैंने कढ़ी बना ली है और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना ली है, बस अब मुझे रोटियाँ बनानी हैं। तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं पहले ही पूरा डिनर विनर किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आपसे बात करूँगी और फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे आज। अभी सबका खाना वाना सब हो गया है और मैं अभी ऊपर आ गई हूँ, मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। और आज दिन भी बहुत लंबा था, बहुत ऐसे ही पता नहीं क्यों ठंड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत डल फील हो रहा है, और दूसरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं अब जस्ट अपना फेस वॉश करके और सो जाऊँगी। तो मैं ये व्लॉग को यहीं सोच रही हूँ एंड कर देती हूँ, और नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे। और अभी पहला व्लॉग है तो आई थिंक उस हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा बनाया है, और बाकी तो आप बता ही देंगे, और आई थिंक टाइम के साथ बेहतर से बेहतर से बेहतर होती जाऊँगी मैं। तो चलिए अभी मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, बहुत थक गई हूँ, और नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे, बाय।